हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा देश पूरी तरह से लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक के लिए, और 15 अप्रैल से सारी सेवाएं स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि रेलवे, बसेस और एयरपोर्ट। और जैसे कि सरकार की तरफ से भी ये बोला जा रहा है कि हम लोग 15 तारीख से सारी सेवाएं स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल आता है कि सारी ट्रेनों को एक साथ कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से सारी सेवाएं बंद है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 15 तारीख से सारी सेवाएं स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी ये ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ज्यादा चांस है कि स्टार्ट कर दी जाएगी। अब डिपेंड करता है कि कितनी सारी ट्रेनें चल रही है। हो सकता है सारी ट्रेनें ना चले, जिस रूट में ज्यादा जरूरत होगी उस रूट की ट्रेनें चल सकती है। दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है, उसमें आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि सपोज करो 15 तारीख से ट्रेनें स्टार्ट हो भी जाती है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितना ज्यादा अर्जेंट है घर जाना। अगर आप अकेले हो तो ठीक है, अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो अच्छी तरह से सोच लेना कि भाई 15 तारीख को भीड़ उमड़ने वाली है ट्रेनों में, और इस भीड़ में किस किस टाइप के पैसेंजर होंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बहुत ज्यादा ही अर्जेंट है, तो ही आप सफर कीजिए। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कुछ दिन और घर पे रहिए और उसके बाद सफर कीजिए, क्योंकि ये बीमारी अभी भी आपको पता है किस रेशियो में फैल रही है। अब ये बीमारी डबल रेशियो में फैल रही है, और अगर 15 तारीख से ये सेवाएं स्टार्ट कर दी जाएगी, लाइक ट्रेनों की, बसों की और हवाई जहाजों की, और आप उसमें सफर करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिसका टेस्ट भी नहीं हुआ है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ पता नहीं। और इस बीच आप अगर सफर करेंगे, जैसे आपके साथ कोई बूढ़े लोग हो या बच्चे हो, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश यही है आप लोगों से कि आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट है और आपको जाना जरूरी है, तो ही आप सफर कीजिए, नहीं तो आप अवॉइड कीजिए। कुछ दिनों तक और घर में रहिए, उसके बाद आप सफर कीजिएगा। जैसे बात चल रही है, उम्मीद है ट्रेन खुलेगी, 15 तारीख से ट्रेन चलने वाली है, और वो भी ये 10 अप्रैल तक आपको कंफर्म हो जाएगा पूरी तरह से कि ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। अभी तक जो क्यास लगाया जा रहा है, ज्यादा चांसेस है चलने का, जो सरकार की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है चलना है, लेकिन वो भी 10 तारीख तक पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। और अगर चलेगा भी, तो आप समझ सकते हैं जो लोग इतने सारे परेशान हैं, दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से, तो किस तरह से भीड़ होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से जाम हो जाएगी और ट्रेनें भी पूरी तरह से फुल हो जाएगी। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूं, आप इसे ख्याल रखिएगा और उसके हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों, ये राय आपको कैसे लगी? अगर आपको भी राय देनी है तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिएगा अपनी राय, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।